से पैसा कमाना शुरू, यानी कि आप इस कंपनी को ज्वाइन किए, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, सपोज दैट आपने मेमोरी किंग लिया। हर घर में बच्चे हैं या नहीं आपके पास? हर घर में बच्चे हैं ना। अब हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा तेज तो राखो, उसका दिमाग अच्छे से चले। यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत आज ही किए हैं सपोज दैट, और आपने अपने आवश्यकता अनुसार 5000 का, 8000 का, जितना भी आपको जरूरत है आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, सपोज दैट उसमें आपने 4-5 मेमोरी किंग भी मंगा लिया, आज आपने मंगाया और इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई कि कोई भी बच्चा है, कोई भी बुजुर्ग है जिनकी याददाश्त कम हो रही है, जिनकी याददाश्त कमजोर है, उसको ये सिरप आप पिलाइए, उनकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। बच्चों को आप पिलाइए, बच्चों की याददाश्त मजबूत रहेगी, फिजिकली वो फिट रहेंगे। हर घर में बच्चे हैं, पहले दिन ये बात आपको समझ में आ गई, आपके पड़ोस में ही बच्चे हैं, आपके घर में ही बच्चे हैं, और अपने घर में ही आप इसको ले जाके, चाहे अपने पड़ोस में इसको ले जाके जब आप देते हैं तो आपको मिला था 134 रुपए का ये, लेकिन उनको देंगे 150 रुपए का, तो फायदा आपका कितना हुआ? पहले दिन से आपने 16-15 रुपए कमा लिया। पहले दिन से कमाई हुई या नहीं हुई? पहले दिन से। ऐसे ही आपके पास साबुन है, एक साबुन आपने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए लिया, 5 साबुन और आपने ऑर्डर किया साथ में, आप अपना इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में बस खूबी पता चल गई कि किसी प्रकार का स्किन का प्रॉब्लम हो, शरीर में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, इस साबुन के इस्तेमाल करने के बाद खुजली गायब। आपके पड़ोस में ही कोई इससे परेशान है, आपने उनको पकड़ा दिया, इसमें भी आपकी कमाई हो गई। तो पहले दिन से आपकी कमाई हो रही है नहीं हो रही? जो टूर अवार्ड रिवार्ड जो चेक बनेगा वो सब अलग, ये डायरेक्ट आपकी कमाई है, इसका पैसा डायरेक्ट आपको मुनाफा आपके जेब में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बाकी जगहों पर सोचना पड़ेगा कि आपकी इनकम कब से आएगी, आपकी कमाई कब से आएगी। और मैं आपको बोल रहा हूं 4 Square ज्वाइन करिए, आप आज ज्वाइन करिए, अभी ज्वाइन करिए, आज शाम से आपकी कमाई शुरू, ऐसा बिजनेस आपको मिल रहा है दोस्तों, सोच कर देखिए। अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आप सब लोगों को सारी बातें अब समझ में आ चुकी होगी।